छत्तीसगढ़ की स्टार्ट करेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास रहेगा आज का टॉपिक। जबकि हर एक एग्जाम जैसे सीजीपी सिप्री व्यापम यहाँ तक के यहाँ पर आपका प्रयोगशाला परिचालक एडीओ हॉस्टल वार्डन जैसे एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मैथ्स एजुकेशन यानी कि हमारा चैनल है, डेट भी आप देख सकते हैं। थ्योरी क्लास रहेगा आपका छत्तीसगढ़ जीके का टॉपिक के 70 MCQ 70 मिनट में हम करेंगे, है ना। तो आधुनिक इतिहास क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर आपका पार्ट वन से लेकर, ठीक है, डेली क्लास रहेगा पार्ट वन से लेकर पार्ट सेवन तक का ये हमारा वीडियो रहेगा छत्तीसगढ़ का। प्लेलिस्ट के माध्यम से कोर्स कंप्लीट कराएंगे छत्तीसगढ़ का, जिसमें आपका मेन टॉपिक है आपका प्रयोगशाला परिचालक, है ना, और उसमें हॉस्टल वार्डन एडीओ सीजीपीएससी यहाँ तक के छत्तीसगढ़ के पूरा टॉपिक यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रयोगशाला परिचालक हॉस्टल वार्डन एडीओ सीजीपीएससी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, है ना। अगर कहीं आपको डाउट होता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ 93 97 87 और 82, ठीक है। चाहे तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की क्लासेस आज से नया बैच प्रारंभ किया गया है जो 70 मिनट का 70 MCQ करेंगे। पहले हम थ्योरी क्लास कर लेते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ से। तो हम पहले थ्योरी क्लास कर लेते हैं जो कि छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका यहाँ पर देखिएगा छत्तीसगढ़ में आपका जो प्रयोगशाला परिचालक है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जिसमें प्यून भर्ती यानी कि उसमें देखिए चौकीदार है स्वीपर है, इसका टोटल 100 नंबर का आपको पूरा कवर आने वाला है छत्तीसगढ़ का। जिसमें प्रयोगशाला परिचालक में आपका नोट है ना, प्रयोगशाला परिचालक में आपका टोटल 60 नंबर का क्या आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, ठीक है। 60 नंबर का सामान्य विज्ञान पूछा गया है और इसका 40 नंबर आपका छत्तीसगढ़ रहेगा प्लस भारत का भूगोल, ठीक है। भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा और साथ ही आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, ठीक है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रयोगशाला परिचालक में सामान्य विज्ञान से 60 नंबर, इसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक आ जाएगा, तो सामान्य विज्ञान में आपका टॉपिक आएगा पहला है तो आपका विज्ञान, दूसरा है आपका भौतिक, ठीक है, और तीसरा आपका आ जाएगा इसमें वेटेज है रसायन, ठीक है। ये तीनों वेटेज करके आपका 20 20 नंबर का टोटल पूछा जाएगा, जिसमें आपका 60 नंबर रहेगा, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विज्ञान का 20 नंबर पूछे जाएगा, भौतिक का 20 नंबर पूछे जाएगा या रसायन का, मतलब तीनों मिलाकर आपका 60 नंबर के प्रश्न रहेगा। कौन सा ज्यादा आएगा कौन सा कम आएगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ की क्लासेस करते हैं टोटल टॉपिक तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, जिसमें आपका रहेगा प्रत्यक्ष मराठा शासक अप्रत्यक्ष मराठा शासक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम मराठा शासक से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासक, ठीक है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा जो कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के बन सकते हैं, ठीक है। तो कवर करते चलेगा, यहाँ पर नोट कीजिएगा, ठीक है, जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रत्यक्ष मराठा शासक के बारे में देखेंगे, भोसले शासक, जो कि 1741 ईस्वी में, ये आपके पीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया जो टॉपिक है आपको बता रहा हूँ, एक बार कवर कर लीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो रघुजी है 1741 ईस्वी से नागपुर के दक्षिण भारत अभियान, ठीक है, यहाँ तक। और ये देखिए याद रखना कि छत्तीसगढ़ के रघुनाथ सिंह जो है प्रथम मराठा शासक है, ठीक है, और अंतिम शासक कौन है, तो मोहन सिंह है, अमर सिंह है, ये भी आपको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन से। अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, 1 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास रहेगी हमारी जो आपके हर एक एग्जाम में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में, है ना। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन होता क्या है, तो देखिए एक बार ध्यान से समझिएगा। मोहन सिंह की जो मृत्यु के पश्चात 1758 ईस्वी में रघुजी भोसले के पुत्र बिंबजी भोसले, यहां से क्वेश्चन बनेगा ना, ये टॉपिक आप देखिएगा, ठीक है। तो मराठों का प्रत्यक्ष जो शासन काल है आपका वर्ष 1758 से 1787 ईस्वी के मध्य।
अब यहाँ पर नोट करते चलेंगे, एग्जाम में जो जो टॉपिक पूछे जाएंगे कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत पांच प्रमुख मराठा शासक हैं, कौन से हैं? क्रम वाइज आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाएगा। तो कौन कौन सा है आपका? बिंबाजी भोसले, चिमनाजी भोसले, व्याघ्रजी भोसले, पुरसाजी भोसले और अप्पाजी भोसले। यानी कि हमारे यहाँ पर देखिए जो प्रत्यक्ष मराठा शासन है उसको पांच भागों में बांटा गया। कितने भागों में? पांच भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? बिंबाजी भोसले 1758 से 1787, ठीक है। ये टॉपिक हम यहाँ से कवर करेंगे, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी कैसे कैसे पूछे जाएंगे हम बताएंगे आपको। बिंबाजी भोसले जो है आपका 1758 से 1787, ये आपका टॉपिक है, इसको याद भी रखना है। 1758 से 1787 आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है शासन का, ठीक है। बिंबाजी भोसले का जो शासन काल है 1758 से 1787 तक। राजधानी की बात करें तो रतनपुर, इसको याद रखना, कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो नोट करते चलेंगे दिमाग में, ना नोट कॉपी में मत लिख, यहाँ पर दिमाग में नोट करो, ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मराठों के प्रथम राजधानी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? हमारे छत्तीसगढ़ में जो मराठा है उनकी प्रथम राजधानी पूछा जाए, है तो छत्तीसगढ़। ये भी इसलिए कोष्टक करके लगाया हूँ ना, जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको पूरा थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी भी मिलेगा आपको यहाँ पर, थ्योरी भी हम आपको कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो शासन काल है आपका 1758 से लेकर 1787 ईस्वी तक, उसी पे अगर राजधानी आपका है रतनपुर, किसकी राजधानी? छत्तीसगढ़ में मराठों की प्रथम राजधानी, ठीक है। और बिंबाजी भोसले की तीन रानियां थी, कौन कौन से? उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक को छोड़ देगा, एग्जाम में नहीं पूछता। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की सूत्रधार, ठीक है, मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूँ ना एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के सूत्रधार है आपका बिंबाजी भोसले, है ना। सूत्रधार पूछा जाए तो बिंबाजी भोसले, और परगना पद्धति के निर्माणकर्ता पूछा जाए तो आप बताएंगे बिट्ठल राव दिनकर। ये टॉपिक तो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, काफी आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से हमारे साथ दोहराइएगा। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की जो सूत्रधार है बिंबाजी भोसले हैं, उसी पे अगर परगना पद्धति के निर्माण करता पूछा जाए तो बिट्ठल राव दिनकर जी हैं। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। यूरोपीय यंत्र किसके शासनकाल में आया था? जो कोल ग्रुप है, यूरोपीय यंत्र किसके शासनकाल में आया था? तो आप बताएंगे बिंबाजी भोसले के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? बिंबाजी भोसले के शासनकाल में, बिंबाजी भोसले के शासनकाल में, ठीक है। बिंबाजी भोसले के शासनकाल में आया था कब? यह आपका 1758 से 1787 ईस्वी के बीच में, ठीक है। यहां तक कवर हो चुका। यूरोपीय यात्री किसके शासनकाल में आया था? यूरोपीय यात्री कौन है? कोल ग्रुप। 1787 में आगमन हुआ था किसके शासनकाल में? बिंबाजी भोसले के शासनकाल में। मृत्यु कब हुई थी? किसकी मृत्यु? बिंबाजी भोसले की। यह आपका 1787। इन्होंने नागपुर से संबंध न रखते हुए, संबंध न रखते हुए प्रत्यक्ष शासन किया है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ को 27 परगना पद्धतियों में बांटा गया है, परगना पद्धति के द्वारा गढ़ों को 27 परगनों में बांटा गया था, ठीक है, याद रखना है। आता अब यहां से एग्जाम में पूछा जाएंगे, राम टेकरी मंदिर राम मंदिर है तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं जो जो एग्जाम में पूछा गया है। तो रायपुर का प्रसिद्ध जो दुधारी मठ है किसने बनवाया था, किसके सहयोग से बनवाया था? तो दुधारी मंदिर, है ना, ये आपको बिंबाजी के सहयोग से बनाया गया था, और बिंबाजी द्वारा 1778 में कोट पाठ की संधि हुई थी। ये आपका पीएससी के एग्जाम में, सीजी व्यापम के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कम से कम इसका जो क्वेश्चन है ना 3 से 4 बार आपको पूछा गया है टॉपिक, ठीक है। चलिए आपको मैं पूछता हूं कि कोट पाठ की संधि कब हुई थी, तो आप बताएंगे बिंबाजी भोसले ने 1778 ईस्वी में कोट पाठ की संधि हुई थी। और बिंबाजी की मृत्यु से दुखी होकर इनकी पहली पत्नी कौन है? उमाबाई है। इनकी तीन पत्नियां थी, कौन कौन सी थी? यहां पर देखिएगा, तीन पत्नियां थी आपको मैं बताया, यहाँ पर उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई, ठीक है। रानिया की तीन रानियां थी बिंबाजी भोसले का, जिन्होंने यहाँ पर पत्नी यानी कि पहली पत्नी, है ना, जो बिंबाजी की मृत्यु से दुखी होकर
अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बीमा जी की मृत्यु से दुखी होकर इनकी पहली पत्नी कौन है, उमा बाई है, जो 1787 ईस्वी में, कैसे याद करोगे बीमा जी की मृत्यु कब हुई थी 1787 ईस्वी में, सती हो गई। क्या हो गई? सती हो गई, पहली पत्नी सती हो गई। ठीक है, क्या नाम है? उमा बाई। जिसके परिणाम स्वरूप रतनपुर में सती चौरा का निर्माण कराया गया, याद रखना यहाँ से टॉपिक। दूसरी पत्नी है रमाबाई, पहला क्या है? उमाबाई, जो कि क्या हो गई? सती हो गई। उमाबाई है जो सती हो गई, और दूसरी पत्नी रमाबाई जो कि वियोग में वन चली गई, ऐसा याद रखना बिंबा जी की मृत्यु से दुखी होकर, है ना, बिंबा जी की मृत्यु हुआ तो उनसे दुखी होकर उसकी पहली पत्नी जो है उमाबाई, वो क्या है 1787 में सती हो गई, और दूसरी, सती का मतलब समझ रहे हो ना, उसके मृत्यु के पश्चात उस नाती साथ, समझ रहे हो ना क्या बोल, और रमा बाई है जो पति के वियोग में वन चली गई। तीसरी पत्नी है आनंदी बाई, जो कि सत्ता के बागडोर संभाली, और इसके सूबेदार कौन है? महिमात राव दिनकर। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन है? तो महिमात राव दिनकर। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राम मंदिर जो है कहाँ से, रतनपुर, राम मंदिर, दुधारी मंदिर, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? जाएंगे, मैं आपको कवर, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल, है ना, मेंबरशिप में भी मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। चिमनाल जी भोसले 1787 से 1788 तक, इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। बिंबा जी की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने मरने से पहले अपने भतीजे मुधोजी के द्वितीय पुत्र चिमनाल जी को गोद लिया था। ठीक है, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। व्योकुंजी भोसले से 1788 से 1811 ईस्वी तक, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। शासन काल आपको बता दिया। छत्तीसगढ़ में नवीन पद्धति यानी कि सूबेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सूबेदारी, सूबेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, सूबेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, किसने की, तो सूबेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की है? वेगोंजी भोसले ने 1788 में, याद रखना, है ना, जो जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सूबेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की है? तो वेगोंजी भोसले ने की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नवीन पद्धति का, हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते ना, वीडियो को लाइक करना जरूरी है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं। अगर आप व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, हॉस्टल वाला, एडियो, बहुत सारे एग्जाम है सीजी व्यापम पीएससी में, है ना, तो आगामी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मराठा इतिहास में छत्तीसगढ़ का उपनाम वेकंजी है, जो कि जागीर का उपाधारी धुरंधर था। अब यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री का आगमन कब हुआ? तो यूरोपीय यात्री का आगमन जो हुआ है ना, फॉरेस्टर का, रायपुर 1709 में मिस्टर जेनी ब्लंट, और 13 मार्च 1795 में रतनपुर की यात्रा की थी। यहां से आपके टॉपिक बनेंगे, ये वाला टॉपिक आपका बनेगा कवर में। ठीक है, तो यूरोपीय यात्री का आगमन कब हुआ? तो यूरोपीय यात्रियों का जो आगमन हुआ है फॉरेस्टर रायपुर में 1709 ईस्वी में मिस्टर जेटी ब्लंट के द्वारा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में यूरोपीय यात्री का आगमन कब हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ है? तो वेगोंजी भोसले के शासनकाल में फॉरेस्टर रायपुर आए थे 1709 ईस्वी में मिस्टर जेडी ब्लंट, और 13 मार्च 1795 में रतनपुर की यात्रा की थी। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद है पुरसा जी भोसले से, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता। अप्पा जी भोसले, यहाँ से देखिए, वेकोंजी भोसले की मृत्यु के पश्चात अप्पा जी को छत्तीसगढ़ का वायस राय बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का वायस राय यानी कि गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? अप्पा जी भोसले को, याद रखना, यहाँ से टॉपिक आपके कवर में बन सकते हैं, तो इसको एक बार रिविजन कर ले। ठीक है, वेकुंजी भोसले की मृत्यु के पश्चात अप्पा जी जो है छत्तीसगढ़ को वायसराय बनाया गया। इन्होंने अंग्रेजों के साथ 1816 ईस्वी में सहायक संधि कर ली। क्या कर ली? 1816 में सहायक संधि कर ली, और अंग्रेजों के कहने पर 1817 में पुरसा जी की हत्या कर दी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, 1817 में सीताबाड़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। सीताबाड़ी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1817 में, याद रखना,
ठीक है। ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा शासक जो कि अधीन आ गया था, तो प्रथम रेजिडेंट यहाँ पर देखेंगे इस शासन के प्रथम सुप्रिंटेंडेंट कौन था, कैप्टन एडमन था। और छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति को निम्न प्रकार देखेंगे, कैप्टन एडमंड एंड कैप्टन पी वास एगेन्यू, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो नोट करते चलेंगे यहाँ से इसको, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक किसके रूप में नियुक्त किया गया है 1818 ईस्वी में, तो कैप्टन एडमंड। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं 1 नंबर से कि छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड है, ठीक है। 1818 ईस्वी में नागपुर के भोसला राज्य पर अधिकार कर लिया गया था, है ना। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखेंगे जो कैप्टन एडमन है छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, ये याद कर लेना, और राजधानी रतनपुर, ठीक है। डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह किया और इन्होंने भत्ती भाली नियंत्रण कर लिया, उतना ज्यादा नहीं है ये याद। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है छत्तीसगढ़ का, तो कैप्टन एडमन है। कैप्टन पी वांस एगेन्यू कार्यकाल 1818 से 1825 तक, प्रमुख कार्य 27 परगनों को, पहले 8 परगनों में सीमित करना था, उस समय 59 परगने, ठीक है। टोटल आपका हो जाएगा रतनपुर में, जो रतनपुर से रायपुर लाया गया, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रतनपुर से, ठीक है, रतनपुर से रायपुर कौन से सन में लाया गया, एग्जाम में पूछ लिया जाए ना कौन से सन में लाया गया, तो आप बताएंगे 1818 ईस्वी में, ठीक है। इतना बस याद कर लेना, बस और कुछ नहीं। रतनपुर से रायपुर कब लाया गया, 1818, बस। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रतनपुर से रायपुर की स्थापना कब की गई थी, तो बताएंगे 1818, ठीक है। और प्रशासनिक सुधार आप देख सकते हैं परगना पद्धति वाला, प्रमुख विद्रोह देख लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछता है, नवागढ़ का विद्रोह 1818, गोंड विद्रोह आपका 1825, सोनाखान विद्रोह 1819, और परलकोट का विद्रोह तो एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब यहाँ से देखिए कैप्टन हेंटर कौन, तो एगेन्यू के उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है, एगेन्यू का उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है। कैप्टन सैंडिस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कार्यकाल है आपका 1825 से 1828, ब्रिटिश अधिकारी के रूप में कार्य है, ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत कब की गई, याद रखना ताहूतदारी प्रथा की जो शुरुआत की गई है 1825 में, ठीक है। ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत कब की गई है 1825 में 1828 तक, कैप्टन सैंडिस के कार्यकाल। लोरमी और तरंगा नामक दो तालिकों का निर्माण किया गया था, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर ये नोट करिएगा, छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था, यानी कि छत्तीसगढ़ में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है, डाक व्यवस्था, सैंडिस, डाक मतलब सैंडिस, ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत कैप्टन सैंडिस, याद रखना दो टॉपिक, ताहूतदारी और छत्तीसगढ़ में डाक व्यवस्था, बस इतना कर लो कैप्टन सैंडिस का। कैप्टन विल्कंस ब्रिटिश अधीक्षक है 1828, कैप्टन क्रॉफर्ड कौन है छत्तीसगढ़ के अंतिम अधीक्षक, याद करना ये टॉपिक बस कवर कर लो, छत्तीसगढ़ का अंतिम अधीक्षक कौन बना, तो कैप्टन क्रॉफर्ड। चलो जो जो टॉपिक पूछा जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, विद्रोह से पूछता है ना, बरगढ़ का विद्रोह 1833 अजीत सिंह उनके पुत्र बलराम सिंह के द्वारा, तारापुर का विद्रोह, विद्रोह क्वेश्चन बनते हैं, तारापुर का जो विद्रोह हुआ था 1842 में, इसके जो नेतृत्व करता है कौन है, दलगंजन सिंह, कौन है ये देखिए, दलगंजन सिंह है नेतृत्व करता, अगर थ्योरी पढ़ते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तारापुर का जो विद्रोह हुआ था 1842 में, इसके नेतृत्व करता दलगंजन सिंह है ना, मुख्य कारण क्या था, तो विद्रोह के परिणाम स्वरूप कर वृद्धि को आदेश वापस ले लिया गया, ठीक है। मेरिया विद्रोह है 1842, नेतृत्व करता है हिड़मा मांझी, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए नोट कर देगा, वन लाइनर है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया, तो किस वर्ष किया, 1741 से 1758 ईस्वी के
मध्य, ठीक है, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो रघुनाथ सिंह है, एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी के एग्जाम में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मराठा शासक बिंबाजी भोसले, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की रतनपुर, और रतनपुर से रायपुर कब लाया गया? रतनपुर से रायपुर कब स्थानांतरित किया गया? तो आप बताएंगे 1818 ईस्वी में, ठीक है। अगर डाक व्यवस्था पूछा जाए, किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था, ठीक है, डाक व्यवस्था पूछा है, किसके शासनकाल में? सैंडिस, कैप्टन सैंडिस के शासनकाल, है ना। ताबूतदारी प्रथा की शुरुआत कैप्टन सैंडिस। बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ के किस सूत्रधार के माना जाता है? परगना पद्धति के सूत्रधार है कौन? बिंबाजी भोसले। और परगना पद्धति के निर्माणकर्ता कौन है? तो विठल राव दिनकर, विठल राव दिनकर, ठीक है, निर्माणकर्ता। छत्तीसगढ़ प्रथम सूबेदार, केशव गोविंद किसके शासनकाल में आया था? पिंडारियों से। अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य सहायक संधि किस सूबेदार के समय हुआ था? बीकाजी गोपाल, ठीक है। तो आज हमने छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में जाना, विषय वस्तु को ध्यान से समझा, हमारी जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा, और हम प्रदान करते कोशिश की गई है, हमारी आशा है कि हमको कमेंट आप लोग जरूर दीजिएगा इस टॉपिक के बारे में, है ना। अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको काफी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आप व्यापम जैसे परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए आप देखिए क्वेश्चन, रामायण दीपिका विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्रोत जैसे प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन है? रेवा राम बापू, ठीक है। तो देखिए, निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ में राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्ष के लिए राजस्व व्यवस्था लागू की गई है? चार्ल्स इलियट है। इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन है? बिंबाजी भोसले। कैप्टन हंटर के बाद छत्तीसगढ़ का अधीक्षक किसे बनाया गया? कैप्टन हंटर, हंटर के बाद किसे बनाया? सैंडिस को। और सैंडिस में किसकी क्या चालू हुआ था? डाक व्यवस्था। सैंडिस में डाक व्यवस्था, ताबूतदारी व्यवस्था, ये दोनों टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंट है। सैंडिस के काल में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और ये आपका ताबूतदारी प्रथा की शुरुआत, ठीक है। ये इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 1906 में स्थापित सामित्र मंडल, यानी कि कौन है? सुंदरलाल शर्मा। मराठों ने अपने शासनकाल के छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा गया था? 8 सूबों में। कितने सूबों में? 8 सूबों में। छत्तीसगढ़ का पहला अधीक्षक कौन है? कैप्टन एडमंड, है ना। और ये आपका नागपुर के भोसले शासक 1818, सुंदरलाल शर्मा का जन्म स्थल राजिम, ये आपके पीएससी में भी पूछा गया है और व्यापक एग्जाम में भी पूछा गया है ना। ये सभी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको पीडीएफ चाहिए तो, या फिर इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, है ना। तो पार्ट वन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ये पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग टेस्ट बाय टेस्ट सीरीज दीजिएगा, है ना, पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा आपको मिल जाएगा पीडीएफ हमारा, ठीक है। जितने भी ये पीडीएफ है आपका पूरा छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रथम सूबेदार कौन है? त्याग मूर्ति किसे कहा जाता है? महिला शासक कौन है? ये आपको पूरा एग्जाम में मिल जाएगा। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि रुद्र प्रताप देव 1910, है ना, विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा,
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।